भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणिया, सिक्किम राज्य सरकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड के सहयोग से आज सोलन में प्रोग्रेसिव लीडरशिप समिट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं हिमाचल के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर, हरियाणा के कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल और पंजाब के कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा और हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री एवं किसान नेता ओम प्रकाश धनखड़ भी शामिल हुए। किसान नेता और हरियाणा के हमारे नेता और देश के सारे किसानों को दिशा दर्शन करने का काम बहुत सालों से धनखड़ जी कर रहे हैं। उन्हीं के आमंत्रण पर आज यहाँ एक चैम्बर और एक सहकारी संस्था सिक्किम की, इन दोनों ने मिलकर किसानी में नवाचार करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको यहाँ बुलाकर इनका सम्मान करने का कार्यक्रम रखा है। देश भर से प्रगति करने वाले, नवाचार करने वाले किसान भी हैं। सरकारों ने भी कुछ कदम अच्छे लिए हैं, उन सरकारों के और अधिकारियों के, रिसर्च करने वालों के, उनको भी प्रोत्साहन देने का ये उपक्रम बनाया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों की आय को दुगुनी करने का लक्ष्य अपनी सरकार के सामने रखा है, उसी लक्ष्य की और गति करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों से बहुत ही बल मिलता है, किसानों को प्रोत्साहन मिलता है, देखने से उनकी जानकारी बढ़ती है और जो कोई सक्सेस को खुद अपनी नजर से देखता है और उनके सक्सेस को यदि कोई सराहता है तो उनमें जोश बढ़ता है। आय में बढ़ोतरी हुई है और जो हमारी जमीन की उर्वरक क्षमता है वो भी जो है वो बड़ी है और पर्यावरण की भी हम चिंता कर रहे हैं, इससे पर्यावरण भी जो है वो सुरक्षित रह रहा है। हमने एक अगले वर्ष के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है कि हर पंचायत, हम जहां प्रदेश के अंदर 3615 पंचायतें हैं तो उनमें से 3516 के करीब जो है वो हम वहाँ तक पहुँचे हैं। हर पंचायत में जो है वो किसान को इस और आगे बढ़ा रही। उज्जवल हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह कुंज। डॉक्टर के डी आईज हॉस्पिटल, आपकी आंखों का हम रखेंगे ख्याल।